सो अगर सोना मतलब 3 सालों से आप हर एक चीज़ के लिए अपने हक के लिए लड़ते आई हैं, आज भी एक हक के लिए लड़ रही हैं, तो क्या है? आज सबसे अहम अधिकार जो है मतलब एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया दैट्स द राइट टू वोट, और उसके लिए हम अपना एक वोटर आइडेंटिफिकेशन कार्ड बनाने आए हैं, और जहाँ पर गांव के लोग जो है एज यूजुअल वो इस चीज़ का समर्थन नहीं देते हैं और कहते हैं कि ट्रांसजेंडर्स के लिए जो है वो ना मर्द की लाइन में जा सकते हैं ना औरत की लाइन में जा सकते हैं, और इसलिए मुझे जो है एकदम अलग एक अपने लिए एक अलग सी लाइन तो नहीं कह सकती हूँ, अपनी एक पोजीशन ढूंढनी पड़ती है जहाँ मैं खड़ी रहती हूँ, और मुझे वो लोग मौका नहीं देते हैं कि मैं अपना वोटर आईडी बना सकूँ, तो इसलिए रजत जी आते हैं, और वो जो हमारे भारत का संविधान है जो कहता है कि हर जेंडर को मान्यता दी जाती है, सो मेल फीमेल एंड थर्ड जेंडर, सो ही काइंड ऑफ मेक्स अस अवेयर ऑफ आर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस इन आर कॉन्स्टिट्यूशन वॉट एवर इट इज़ अमेंडेड. सो वो कहते हैं कि आपको पूरा हक है, और यहाँ पर हम जो है इस्टेब्लिश करते हैं दैट यू नो आई एज अ ट्रांसजेंडर हैव द राइट टू वोट. सब सवालों के जवाब दे दिए मैंने. जिस तरह से देश में इलेक्शन का माहौल है, मोदी जी ने सबसे अपील की है वोट करने के लिए. ओह यस, शक्ति की टीम और शक्ति के राइटर भी इससे प्रेरित हो गए हैं जो अभी इसमें एक चंगा रहा है. देखिए एज एक्टर्स पब्लिक फिगर्स एंड पीपल हु क्रिएट सच जॉनर ऑफ शोज जहाँ पर वी ब्रिंग अबाउट एन अवेयरनेस इन आर सोशल इशूज़ एंड एजेंडाज, वी स्ट्राइव टू क्रिएट एन अवेयरनेस ऑल्सो, एंड इट येस इट इज़ अ पार्ट ऑफ अवेयरनेस वेर वी से दैट यू नो एवरी सिटीजन हैज़ राइट टू वोट एंड शुड वोट बिकॉज वी आर अ पार्ट ऑफ अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, सो प्लीज़ गो आउट एंड वोट. राइट ही. बहुत बहुत स्वागत है आपका. यू नो देश में चुनाव में सभी जोरों पर है और ऐसे में सीरियल में भी हमें दिख रहा है, तो सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? हाँ, चुनाव तो सर पे है और किंतु परंतु यहाँ जो हम कर रहे हैं, ये जो दृश्य देखा आप लोगों ने, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है. ये जो हमारे शो की लीड है जिस पर ये कहानी आधारित है सौम्या, वो एक किन्नर है और उसे वोट डालने का अधिकार नहीं है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनली भारत का संविधान ये कहता है कि जेंडर कोई भी हो हर किसी को वोट डालने का हक है, अधिकार है. तो रजत सिंह जो अब तक जिसके जीवन में ऐसी घटना घटी जिस कारण से उसने वकालत छोड़ दी थी, अब राज़ी हुआ है सौम्या का केस लड़ने, तो प्रथम पड़ाव जो है वो ये है कि लीगली सौम्या को उसका अधिकार दिलाना और उसके नाम का वोटर आईडी कार्ड बनवाना, जो कि गांव वाले नहीं चाहते. तो सौम्या के का जो अधिकार है उसके लिए रजत सिंह यहाँ आज लड़ने आए हैं. आज पहली बार सौम्या के चेहरे पर मुस्कान आई है, रजत का जो रुख रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? मतलब पहली बार कोई है जो उनको उनका हक दिलाया है. पहली बार तो नहीं, हरमन भी कोशिश करता आया है, लेकिन कहीं ना कहीं गांव की जो अपनी एक राजनीति है उसके उस कारणवश सौम्या को अपना अधिकार नहीं मिल पाया अब तक. तो ये एक सौम्या एक फेस है जिसके पीछे एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जिनको उनका जो रोज़मर्रा का जो अधिकार है वो उन्हें नहीं मिल पाता. हमारी सोसाइटी उन्हें शन कर देती है, समाज में उन्हें जो स्थान मिलना चाहिए इंसानियत के नाते वो उन्हें नहीं मिल पाता. तो ये एक प्रयास है उस दिशा में लोगों को ये एहसास हो कि वो भी इंसान है, किन्नर हुए हमारे या अन्य बीमारियों से पीड़ित जो लोग हैं, सब इंसान हैं और सब समाज इसी समाज में पैदा हुए हैं, और जो हक समाज से उन्हें मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, ये उस बात की लड़ाई है. अरे दैट वाज शॉर्ट एंड स्वीट, थैंक यू सो मच.